Hello everyone, this is me, Amar Ambani, and I have done M.Tech in Mechanical Specialization from IIIT Jabalpur. I have worked in Tata Motors as the production engineer and I have qualified the GATE exam. I am physics faculty at Allen Career Institute and have a teaching experience of more than 5 years. I am also a verified plus certificate on an academy for BPSC, MPPSC and Vyapam category. You can also search me on academy by the name Amar Kumar और आप मुझे फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे ऐप के थ्रू जब भी कोई मैं नया कोर्स लॉन्च करूँ तो. चलिए एक बार देखते हैं कौन कौन से लोग आ चुके हैं. हेलो रंजना जी, वेलकम. विकास कुमार जी, नीति कुमारी जी, सोनम कश्यप, रोहित कुमार, विवेक धाल, प्रियदर्शनी सिन्हा, श्वेता सिन्हा, स्टे प्रकाश रंजन, निशा प्रधान, प्रियंका सिंह, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर गौतम, शिखा कुशवाहा, किन्नी मिश्रा, गौरव कुमार, के खान, राकेश कुमार, सदाम खान, अलकाराज, मनीष कुमार, श्रुति कुमारी, रविरंजन आनंद, संजीव चौधरी, रिया सेन, संजीव कुमार, मनु कुमारी, आलोक सिंह, रितु, रेणु चौधरी, पूर्वी कुमारी, अर्चना गुप्ता, नियति, पुष्पा सिंह, पीहू मिश्रा, बिट्टू कृष्णा, एर्तुगल जावेद, मनीष कुमार यादव, शंभु कुमार, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम, संजीव कुमार, मनीष कुमार, विभा कुमारी, दिवाकर जी स्वागत है, अमित कुमार सिंह, कुंदन कुमार, पल्लवी, सुरभि कुमारी, सूरज पटेल, अंशिका पांडे, नेहा झा, नमिता सिंह, इंदु झा, अरुण जी, प्रिंस राजपूत, अजीत सिंह, आशीष कुमार, चंदन कुमार, अनुपम कुमार, अनुपम कुमारी, सुमन कुमार, हर्ष कुमार, अनुजी, अर्चना कुमारी, वेलकम. हेलो ब्यूटी जी, वेलकम. ब्यूटी पटेल, पूजा, वेलकम. संजना जी, हेमा भारती, अरुण राज, इंदु झा, ओके. नमिता सिंह, नेहा जी, ओके. चलिए आते हैं, सभी लोग जल्दी से फटाफट आइए. अर्चना कुमारी जी, जेपी जी स्वागत है, प्रशांत उपाध्याय, साधना गांधी, काव्या कुंज, वेलकम. हेलो रोशन कुमार, प्रिया जायसवाल, गोल्डन चौहान, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं. तो चलिए, जो लोग परम और प्रखर और एस करना चाहते हैं आ जाइए, मोस्ट वेलकम. बाकी भी बहुत सारे कोर्स लॉन्च हो चुके हैं अकेडमिक प्लेटफॉर्म पे. 5 अगस्त स्टार्ट हो रहा है हमारा फिजिक्स क्लास 6:15 पे. जो लोग प्लस पे हैं अटेंड कीजिएगा क्लास को, जो लोग नहीं हैं प्लस पे आ जाइए. फिजिक्स के बाद हम केमिस्ट्री कवर करेंगे, केमिस्ट्री के बाद फिर हम बायोलॉजी करेंगे. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही शानदार रहने वाला ये बैच. काव्या जी आगे अटेंडेंस आपका, जैसे आप लोग ज्वाइन करते हैं ना उसी समय मैं आपका नाम ले लेता हूँ, तो शायद नहीं सुनने में आता हो आपको. यूजर यादव जी वेलकम. इंग्लिश में है आपके क्लास, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है. यूजर यादव जी वेलकम. सुमन जी वेलकम, स्वागत है. विकेश कुमार, चंदन जी, प्रिया जी, स्वागत है सभी लोग का. जल्दी आ जाओ. काव्या जी, रोशन कुमार, प्रिया जसवाल, गोल्डन चौहान, विकास कुमार, यूजर यादव, सुमन जी, अविनाश भारती. चलिए, तो एक उदय बैच स्टार्ट हुआ है. जो लोग बिहार SI के प्रीलिम्स में सिलेक्शन हुए उनका कॉन्ग्रेचुलेशन, और अब तैयारी कीजिए मेंस एग्जाम की. आपके लिए एक उदय बिहार SI मेंस का बैच स्टार्ट हो चुका है, कल से स्टार्ट हुआ है 29 जुलाई से. ये सारे एजुकेटर आपको पढ़ाएंगे उसमें. तो अगर आप प्लस लेना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड यूज़ कीजिए, अमर अंबानी मेरा रेफरल कोड है, यूज़ कीजिए रेफरल कोड अमर अंबानी, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा. जी बिल्कुल अजीत सिंह जी, EMI से 10% यूज़ हो रहा है ना सर, 100 पॉइंट है, या EMI से 10% मिल रहा है, बिल्कुल मिलेगा. चलिए शुरू करें. निवि कुमारी जी वेलकम. हाँ प्लस पे है ये सारे बैच. पीपल जी वेलकम. सो सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि मेरी आवाज़ अब तक पहुंच पा रही है नहीं. अब EMI ऑप्शन अवेलेबल है और अगर हमारे रेफरल कोड यूज़ कीजिए 10% डिस्काउंट मिलेगा. तो बस एक बार पोल करके बता दो कि क्या आवाज़ आ रही है सभी लोगों को, यस और नो. देखो सुबह से लेकर शाम तक क्लास चलती रहती है प्लस पे. नाउ इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे टाइम को मैनेज करते हो, राइट. जो एजुकेटर आपको अच्छे लग रहे हैं उनको फॉलो कीजिए, उनके बैच को पूरा क्लास, उनके पूरे क्लास को देखिए और दीवार पे सिलेबस पूरा लिख लीजिए और टिक करते जाइए डेली करके, हाँ कि आज हमने ये सिलेबस कंप्लीट किया. क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक अनअकैडमी पे क्लास चलते रहता है, दिस इज द बेस्ट फीचर ऑफ द अनअकैडमी, और यही वर्स्ट फीचर भी है. बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा क्लास करें कौन सा नहीं करें, राइट. तो दोनों चीज़ है इसमें, बेहतर है कि आप 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे अगर डेली क्लास सुबह से लेकर शाम तक करते हैं तो पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इतना होगा नहीं, हेडेक हो जाएगा. तो एक काम करो, आप सिलेबस आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं, लाइव नहीं देख पाते हो तो बाद में देख लेना,
वो वीडियो रहेगा अवेलेबल, ऑफलाइन देख लो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों देख सकते हो। और बैचेस आते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये बैच आया तो फिर दोबारा ऐसा कोई बैच नहीं आएगा, हर महीने कम से कम 3-4 बैच तो आते ही रहते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट, जब भी चाहे मन अब तब ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन, लेकिन जल्दी लेने इसलिए बोलता हूँ कि टाइम निकलता चला जा रहा है, ये अपॉर्चुनिटी दोबारा फिर नहीं आएगा, राइट। चलिए सो हम शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन के साथ। टफ क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा पढ़ लो अच्छे तरीके से। पढ़ लिया, चलो आंसर दे दो। कोमल गुप्ता जी वेलकम, अनुराग श्रीवास्तव, सलोनी चतुर्वेदी स्वागत है, प्रियंका कुमारी वेलकम, नेहा जी स्वागत है, पूजा कुमारी जी वेलकम, आरजे वेलकम, कोमल गुप्ता वेलकम, ह्यूमैनिटी इज द सॉल्यूशन स्वागत है। जी हाँ बिल्कुल, काफ़ी कम लोगों ने इसका आंसर सही दिया। देखिए अंतरण अदाई का अभिप्राय होता है सरकारी पेंशन, क्या होता है सरकारी पेंशन, बेरोजगारी भत्ता भी इसी में आता है, सरकारी पेंशन हो गया, बेरोजगारी भत्ता हो गया, राइट। और राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज, ये सब इसके भुगतान जो होते हैं, ये सब अंतरण अदायगी के अंतर्गत आते हैं, ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते हैं, याद रखिएगा कि ये राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, देशों के समूह के साथ व्यापार करार करने की औपचारिक पद्धति को क्या कहा जाता है। सर साइंस का प्लस पर पीपीटी से पढ़ाएंगे ना चंदन कुमार जी, बिल्कुल पूरा अच्छा पीपीटी मिलेगा, परफेक्ट पीपीटी। बहुत कम लोगों ने इसका आंसर सही दिया, सिर्फ 18% लोगों ने आंसर दिया नहीं, इसे हम लोग ट्रेड ब्लॉक बोलते हैं, मुझे पता था कि आप लोग डी मारोगे। पूजा जी वेलकम, सोनल प्रिया जी स्वागत है, गोलू जी, अनुराग जी, अनुराई, तानिया वेलकम, श्रवण कुमार, ट्विंकल जी वेलकम, सभी लोग आ जाओ जल्दी से, रश्मि जी वेलकम। ओके सो करेक्ट आंसर इज ट्रेडिंग ब्लॉक, याद रखिएगा देश के साथ व्यापार करार करने की जो औपचारिक पद्धति होती है उसे हम लोग ट्रेडिंग ब्लॉक कहते हैं, ट्रेडिंग ब्लॉक। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो गलत हो रहा है उसे नोट कर रहे हो या ऐसे ही हवाबाजी चल रहा है सिर्फ नोट कर रहे हो? अच्छा जितने लोग नोट कर रहे हो ईमानदारी से लाइक करो एक बार, मुझे पता करना है कि कितने लोग नोट कर रहे हो। अरे वाह इतने लोग नोट कर रहे हैं, क्या बात है। तो जो लोग नोट नहीं कर रहे हैं एक बार देख लो, थोड़ा शर्मा जाओ, लजा जाओ, है ना। चलिए बहुत अच्छा, जो लोग नोट कर रहे हैं अपना ही भला कर रहे हैं, मेरा भला तो कर ही रहे हैं अपना भी भला कर रहे हैं। 100 SDM चाहिए मेरे बारात में, एकदम पूरा भुकभुकिया बॉल जलता हुआ आना चाहिए, एकदम भौकाल मचा देना है, अंबानी सर की शादी है, 100 SDM लेके जाना है, पक्का आइएगा ना। हाँ एकदम भुकभुकिया बॉल लेके आना है, मचा देंगे। चलिए बहुत अच्छा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी। प्रत्यक्ष करों के मामले में अदायगी दायित्व और कर का अंतिम भार किस पर स्थित होता है, तो वह आदमी जिस पर यह अधिरोपित किया जाता है। क्रिटिकल हिंदी है, पढ़ लीजिएगा अंग्रेजी समझ में आ जाएगा। आप ही लोग कहते थे सर हिंदी में लाइए, हिंदी में लाइए, ला दिए ले लो, अब मत कहना कि सर समझ में नहीं आता है। ऐसे भी हम इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी हम पढ़ाते नहीं है, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, राइट, ये सब तो हम पढ़ा लेंगे अच्छे से, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी के क्वेश्चन ज़्यादा मत पूछना हमसे। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। चंदन कुमार जी, मनीष कुमार जी, एडवोकेट जसमीत जी, मनीष भार्गव, डिक्की कुमार, ज्योति मिश्रा, मनोहर कुमार, सुमन सौरभ जी वेलकम, जी नहीं चंदन जी अभी नहीं हुआ है। चलिए बहुत अच्छा, 66% लोग आंसर सही दिया इसलिए वही नहीं भी हो गया, बिल्कुल बुलाएंगे दरोगा, दरोगा को भी आगे रखेंगे, अरे दरोगा तो शान है, एकदम पेट निकाल के पैसा कमाइएगा आप ही लोग ने। 63% लोग ने आंसर सही दिया है,
दरोगा से बिहार में तो पुलिस और दरोगा तो आईएएस से ज़्यादा कमा लेता है, एक ईमानदार आईएएस से ज़्यादा कमा लेता है पुलिस और दरोगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति को अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है, किसका नहीं किया गया अभिव्यक्ति का प्रयोग, देखिए पढ़िए। उसका गुड क्वेश्चन, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है ये। धीरज जयकार जी वेलकम, जूली कुमार जी स्वागत है। देखो देखो काव्या जी, ये क्रिमिनल का शादी नहीं होने वाला है, टीचर का ही शादी होगा, है ना, पूरा फोर्स नहीं लगाना है। अरे वीडियो क्यों नहीं चलेगा भैया, सब बीपीएससी तो वीडियो और एसडीओ सब तो बीपीएससी से ही आते हैं। सिपाही का वैल्यू कैसे नहीं है भाई, हर एक इंसान का वैल्यू है हमारे देश में। निवेश मिश्रा जी वेलकम, सबसे ज़्यादा वैल्यू तो उनका है जो हमारे यहाँ सफाई वाला होते हैं, है ना, उनके बिना तो हम जी ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल याद रखिएगा, संधि है, संविधान परिवार प्रस्तावना में संधि शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, लेकिन अनुच्छेद एक के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है, आप लोगों को पता ही होगा। आर्टिकल 1 में हमें हमारे देश को भारत को राज्यों का संघ बोला गया है। भारत क्या है? राज्यों का संघ। चलिए बहुत अच्छा। हेलो प्रदीप जी वेलकम जी, प्रस्तावना का बात बोला गया था जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पुष्प जी, अनामिका कुमारी जी वेलकम, सभी लोग आइए जल्दी से फटाफट। प्रदीप जी वेलकम, अगला क्वेश्चन पढ़िए सभी लोग। तानिया झा जी वेलकम, नितेश मिश्रा जी स्वागत है, पढ़ लिया, चलो इसका आंसर दीजिए सभी लोग। निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे, बने रहिए सभी लोग अंत तक, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मिक्स्ड है, हिस्ट्री भी है आगे, ज्योग्राफी भी है और साइंस भी है जिसमें केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स भी होगा, और थोड़ा हम फास्ट करेंगे क्योंकि आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हैं। अनामिका मिश्रा जी वेलकम, चलिए बहुत अच्छा। करंट अफेयर का 4 बजे क्लास हुआ था, करंट अफेयर्स के लिए 4 बजे ज्वाइन कीजिए सभी लोग। बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किया गया था कब? 42वें संशोधन में, याद रखिएगा 42वें संविधान का जो संशोधन हुआ था उसमें इसको ऐड किया गया था, ये भी क्वेश्चन पूछता है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय संघवाद निकट, नाइजीरिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के, यूएसए के, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, मजा आ रहा है क्वेश्चन करके। निदेश मिश्रा जी वेलकम, चलिए बहुत अच्छा, 62% लोग आंसर सही दिया। भारतीय संविधान सभा ने स्विंग अमेरिका और स्विट्जरलैंड के संघीय प्रणाली को अपनाकर कनाडा की संघीय प्रणाली को अपनाया, याद रखिएगा। तो भारतीय संघवाद जो है वो कनाडा के नजदीक है ऐसा माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, और जो लोग प्लस पे जुड़ना चाहते हैं, मेरा रेफरल कोड है यहाँ पे लिखा हुआ, अमर अंबानी, मेरा रेफरल कोड यूज कीजिए, 10% डिस्काउंट मिलेगा, प्लस पे जुड़िए, बहुत स्टार फैकल्टी आ चुके हैं प्लस पे, लॉकडाउन चल रहा है, सभी एजुकेटर आ चुके हैं अकेडमी पे, पूरी दुनिया का नंबर 1 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो चुका है, आप लोगों को पता होगा, मैक्सिमम इनरोलमेंट, मैक्सिमम फैकल्टी, दुनिया का नंबर 1 ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, लोकतांत्रिक प्रणाली के निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक है, कौन से तत्व आवश्यक है? स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण, उपयुक्त सभी, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। थैंक यू वेरी मच चंदन जी, मेरे अलावा भी बहुत लोग हैं अच्छे पढ़ाते हैं, क्लास कीजिए सभी लोग का, प्लस पे आइए और अपने लेवल को बूस्टअप कीजिए आप सभी लोग। सत्यम कुमार जी वेलकम, मैं चाहता हूँ कि जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं सबका सिलेक्शन किसी न किसी एग्ज़ाम में हो। हाँ ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जनरली, डी और ई दोनों इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, बट जब उपयुक्त सभी होगा तो आपको डी ही मारना है, ई नहीं मारना है। अगर ऐसा क्वेश्चन मान लो कि आता भी एग्जाम में तो आपको ई नहीं डी ही मारना है, राइट।
तो क्योंकि ई मारोगे तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं तो आ रहा है ना, समझ रहे हो ना। चलो, मैक्सिम क्वेश्चन में ई ऑप्शन जो होता है वो सिर्फ पानी बांटने का काम करता है, वो भंडारा में पानी बांटने का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है, एक आर्थिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, धार्मिक अधिकार है, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। धनंजय चौधरी जी वेलकम। चलिए 82% लोग आंसर सही दिया, बहुत बढ़िया। बफरिंग हो रहा है एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, जिन लोगों को बफरिंग हो रहा है एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। यस, सी इज द करेक्ट आंसर, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे, मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे। वेतन कैसे मिलता है सर, किस चीज का। अमित कुमार जी वेलकम। या दिस इज द रिपीटेड क्वेश्चन, मैं ऑलरेडी 1976 इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। भारतीय संविधान स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन के बाद मौलिक कर्तव्य को समाविष्ट किया गया था। याद रखिएगा, स्वर्ण आप लोगों ने पढ़ा होगा राइट, जो लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं उनको पता होगा स्वर्ण सिंह समिति क्या था, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, पढ़िएगा। इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली, इंटरव्यू में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सो डी इज द करेक्ट आंसर, 42वें संशोधन में हुआ था स्वर्ण सिंह समिति। चलिए अगला क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे आप लोग, जो लोग पढ़े हैं वो समझ रहे हैं। क्विज चल रहा है तो क्विज में हम ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं सकते हैं, लिमिटेड टाइम रहता है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है कानूनों की समान सुरक्षा की, कानून के सामने समानता की, आर्थिक संसाधनों के समान वितरण की, कानून के सामने समानता और कानूनों के समान सुरक्षा की, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगेन इट्स अ गुड क्वेश्चन। आयुष आनंद जी वेलकम। मृत्युंजय जी स्वागत है। चलिए बुलाइए सभी लोगों को, जोड़िए अपने दोस्तों को, हर रोज जोड़ते रहिए। उम्मीद करते हैं कि आप अपने दोस्तों को जोड़ रहे होंगे, हर कोई 5-6 लोगों को जोड़ेंगे तो इतने में तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा है, सभी लोग को जोड़िए क्लास में। ई मार लिया, अरे कोई बात नहीं। मृत्युंजय जी वेलकम। अमित कुमार जी स्वागत है। या बहुत अच्छा, गलत हो गया काव्या जी, कोई बात नहीं, नोट कीजिए नोट कीजिए। तो करेक्ट आंसर इसका, कानून के सामने समानता और कानून के समान की सुरक्षा, अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिक को गारंटी देती है कानून के समान समानता, सभी लोग सेम, सब लोगों के लिए कानून सेम होगा, यह प्रस्तावना आर्टिकल 4 में मेंशन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत किसके संविधान से प्रेरित है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, आयरलैंड, या इसमें से कोई नहीं। हेलो पंखुरी सिंह लक्ष्य वेलकम, लेट हो गए पंखुरी जी। सोनल सिंह जी वेलकम, रास्ता भटक गए थे आप लोग, किसी और भंडारे में चले गए थे, भगा दिया क्या लोगों ने, बैठ गए थे खाना खाने के लिए। जय हिंद पंखुरी जी। डी इज द करेक्ट आंसर, शानदार क्वेश्चन का लरी लगा हुआ है, जुड़ रही अंत तक, सीखिए नोट कीजिए सबको। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने के संबंधित है, 99, 39, 59, 69, या उपयुक्त से एक से अधिक। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो जो भी क्वेश्चन पॉलिटिक्स से जो भी क्वेश्चन होते हैं ना इंपॉर्टेंट रहते हैं सारे। यस, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। चलिए करेक्ट आंसर है इसका 39, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ बेसिकली 36 से 51 बोला जाता है, बट ऑप्शन अगर देखोगे आप तो 39 है, इसलिए हम 39 को यहाँ पे वेटेज देंगे। क्लियर है जी काव्या जी, आप ही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हो, पनीर मतलब
अच्छा भोज में पनीर पूछ रहे हो? हाँ सब मिलेगा, है लास्ट में है। हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, बट बशर्ते कि स्क्रीनशॉट डिलीट होने से पहले वो कॉपी में हो जाना चाहिए। बिल्कुल लीजिए स्क्रीनशॉट, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन पढ़िए। राज्यसभा के लिए सदस्य को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? आसान क्वेश्चन। सावन चल रहा है, टंगरी नहीं मिलेगा जी, बिल्कुल आइसक्रीम भी है, यही तो है आइसक्रीम। पूरे सावन में आपने गौर किया होगा मैंने लॉलीपॉप वर्ड नहीं बोला था ना, इज द करेक्ट आंसर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का समझौता करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को, यह उसका मौलिक अधिकार, पुनर्विध अधिकार, परामर्श अधिकार, बहुमुखी अधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से सभी। अरे अनुराई कुमार खा लिए यार, मत खाओ यार, कम से कम सावन भर तो रुक जाते। संतोष कुमार जी वेलकम, आज से कितना दिन, 4 दिन और ना, बेसब्री से इंतजार है। मुंबई में थे हम तो मुंबई से आपको हम न्यूज़ बताते रहते थे हर रोज़ कि आज क्या क्या बना है, लेकिन जब से बिहार आए हैं तब से आपको भी कोई नॉलेज नहीं मिल रहा है कि हम क्या खा रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन से ही इसका आंसर पता चला, मौलिक अधिकार इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। जो गलत हो रहा है नोट करते चलिए। रायता, रायता तो आप लोग खुद ही बना लीजिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, यह किसने कहा था? पूजा जी गलत हो रहा है तो नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है, ये बस एक लर्निंग पीरियड है। जी बिल्कुल, एक प्रख्यात राजनीतिक विचारक जॉन लॉक, उनकी एक पुस्तक है द सेकेंड ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, पढ़िएगा वो बुक, आपको मिल जाएगा ऑनलाइन भी। जॉन लॉक इज द करेक्ट आंसर, उन्होंने कहा था कि जहां कानून नहीं वहां पे स्वतंत्रता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। डॉक्टर अल्फ्रेड नोबल द्वारा निर्धारित अक्षय निधि में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? इन विच फील्ड द नोबेल प्राइज नॉट गिवन बाय द डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल ऑफ द कन्वीनियंस फंड। पढ़िए, 5 ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिए। एक मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्वेश्चन। नहीं दिए जाते हैं तो शांति, औसत, अर्थशास्त्र सभी है, तो आंसर ये होना चाहिए था, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो हालांकि दोनों है, कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है डी और ये, तो ऐसा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, मैंने थोड़ा सा गलत तो सेट कर दिया क्वेश्चन, कोई बात नहीं है, जितना वो जानेगा उतना ही टाइप करेगा ना, ये क्वेश्चन मैंने खुद से टाइप नहीं किया है, बोनस चाहिए क्या? वैसे काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया है। उपयुक्त में से एक से भी अधिक हो सकता है, अन्य भी सही है, वैसे बोनस की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि उपयुक्त में से एक से अधिक यानी कि शांति में भी, औसत में भी, वैसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, नहीं सही है, सही है, गलत नहीं है फिर तो, नहीं नहीं सही है फिर, ओके चलो बहुत अच्छा, नहीं पूछा गया था भाई, हमें कन्फ्यूज ही आ गए थे। राइट है बिल्कुल, आगे बढ़ो। सुधार आंदोलन क्या है? ओके पढ़ लिया, चलो आंसर दो। एक विवेचनात्मक ज्ञान का पुनः परिवर्तन या पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह
या परम राजसी का उदय या मनुष्य के आचार व्यवहार में परिवर्तन। जी हाँ, तो इसका मेन लक्ष्य था पोप और चर्च का एकाधिकार जो है, पोप और चर्च का जो एकाधिकार होता है उसको खत्म करना। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको हम प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलन भी बोलते हैं, याद रखिएगा। सो बी इज द करेक्ट आंसर, काफी लोगों ने गलत किया है, याद रखिएगा इसको। 16वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था ये, 16वीं सदी में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार की स्थापना किस देश ने की थी? हेलो निशा जी, वेलकम। चलिए बहुत अच्छा। काफी लोगों ने सही आंसर दे दिया। जी हाँ बिल्कुल, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, फिजिक्स भी है, जस्ट वेट कीजिए। यस, गिवन बाय द स्वीडिश रॉयल एकेडमी, स्वीडन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा। राइट, फासिस्टवाद की विचारधारा किस देश से विकसित हुई है? जर्मनी, जापान, इटली, रूस, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त से एक से अधिक। हेलो शालिनी चौहान जी, वेलकम वेलकम, स्वागत है। ओके, नाउ कनेक्टेड। चलिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन था, इसका तो सभी लोग आंसर मिल गया, इटली इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष कहाँ बांटे जाते हैं? मनीला, स्टॉकहोम, जेनेवा, न्यूयॉर्क, या इसमें से कोई नहीं है, इसमें से एक से अधिक। राहुल कश्यप जी वेलकम। यस, करेक्ट आंसर इज स्टॉकहोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां क्या है? क्रांति, आम हड़ताल, तोड़फोड़, समझना और प्रचार करना, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। आरती कुमारी जी वेलकम। चलिए वेरी गुड। सो ये तो भाई लॉजिक सही सोच के पता चल जाता है आपको आंसर। कुछ लोग बोल रहे हैं तोड़फोड़, क्रांति, कहा भैया बजरंग दल वाले हो क्या? करेक्ट आंसर है समझना और प्रचार करना, डी इज द करेक्ट आंसर। लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां बताई गई थी। चलो अगला क्वेश्चन पढ़ो, श्री सीवी रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? रेडियोधर्मिता, क्रायोजेनिक, ध्वनिमापी, प्रकाश परिकीर्णन, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। नहीं, क्रांति नहीं था, क्रांति भी नहीं था आंसर, वो डी था करेक्ट आंसर। चलो 48% आंसर सही दिया है, प्रकाश प्रकीर्णन इज द करेक्ट आंसर, लाइट स्कैटरिंग, सीवी रमन, राइट, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन, उन्होंने 28 फरवरी 1928 को प्रकाश की प्रकीर्णन का खोज किया था, 1928 में, 28 फरवरी को ये प्रकाश का प्रकीर्णन का खोज किया था, पता ही आप लोगों को। और इसी दिन 28 फरवरी को हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे मनाते हैं, याद है ना आप लोगों को, नेशनल साइंस डे। यस जी बिल्कुल। और 1930 को भौतिकी में इन्हें नोबेल प्राइज भी मिला था, 1930 को नोबेल प्राइज मिला था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रूस के पॉपुलिस्ट आंदोलन अराजकतावाद के संस्थापक सदस्य कौन थे? मिखाइल बैक्यून, गोर्की, लियो टॉल्स्टॉय, तुर्गेनेव या उपयुक्त में से एक अधिक या कोई नहीं? एक मिनट, चलिए आंसर दीजिए इसका। केशव जी वेलकम। चलो 72% लोगों ने आंसर सही दिया है, मिखाइल बैक्यूनिन इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया, अगला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष कितने नोबेल प्राइज पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं? थोड़ा हम फास्ट करते हैं, राइट, थोड़ा हम फास्ट करेंगे। जी हाँ, प्रतिवर्ष कौन कौन से क्षेत्र हैं कमेंट करके बताइए। भौतिकी हो गया, चिकित्सा हो गया, रसायन हो गया, शांति हो गया, साहित्य हो गया और अर्थशास्त्र हो गया। क्लियर है? बिल्कुल सही। तो छः याद रखिएगा, छः, सिक्स इज द करेक्ट आंसर। कौन कौन से? भौतिकी, चिकित्सा, रसायन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। भारत में आज़ादी के बाद आज तक किसी को भी भौतिकी में प्राइज नहीं मिला है, साइंस में नहीं मिला है, अर्थशास्त्र में तो मिला ही है। चलो आगे बढ़ो। समाजवाद मूलतः किसका आंदोलन है? बुद्धिजीवी, गरीब लोग, मध्य वर्ग लोग, कामगार या इसमें से कोई नहीं? अपने से सर्दी। हेलो राजप्रिया जी वेलकम, इंदु कुमारी जी स्वागत है। प्रतिशत लोगों ने सिर्फ आंसर दिया है, याद रखिएगा। समाजवाद का अभिप्राय है श्रमिकों के ऐसे संगठन से जिसका उद्देश्य होना चाहिए पूंजीवादी संपत्ति को सामाजिक संपत्ति में परिवर्तित करना। करेक्ट आंसर होगा कामगार इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि समाजवाद जो है वो मूलतः कामगारों का ही आंदोलन है, कामगारों का ही आंदोलन है समाजवाद। पढ़ो अगला क्वेश्चन। नोबेल पुरस्कार किसके योगदान के लिए नहीं दिया जाता है? किसके लिए नहीं दिया जाता है वो पूछा गया, आसान सा क्वेश्चन। शांति, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए जो लोग प्लस पे आना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, मेरा रेफरल कोड अमर अंबानी है, यूज कीजिए अमर अंबानी मेरा रेफरल कोड, 10% डिस्काउंट पाइए और सीखिए बेसिक से। बीपीएससी पूरा कंप्लीट सिलेबस कवर करवाया जाएगा। अगर आपका बीपीएससी टारगेट है तो बाकी एग्जाम तो ऑटोमेटिकली निकलेंगे ही निकलेंगे अगर ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो। अमर अंबानी में रेफरल कोड यूज़ कीजिएगा, 10% डिस्काउंट मिलेगा। और जुड़िए सभी लोग, जब तक ये महामारी है तब तक इस टाइम को यूज़ कीजिए सभी लोग। अगला क्वेश्चन पढ़िए। चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण किसने कराया था? मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा। स्नेहा कुमारी जी वेलकम। मार्क्स, क्या मार्क्सिस्ट जो होता है, देखो मार्क्स, आलोक जी आपका मार्क्सवादी पूछ रहे हो, मार्क्स जो होता है वो कोई दर्जा नहीं होना चाहिए, कोई वर्ग नहीं होना चाहिए समाज में, उसको लोग मार्क्सवादी बोलते हैं। यूएसएसआर से शुरू हुआ वो। प्राची आचार्य वेलकम, स्वाति जी स्वागत है। लीडर बोर्ड देख रहे हैं, देख लो लीडर बोर्ड जल्दी से। नेहा टॉप पे चल रही है, सेकंड पे आलोक सिंह, थर्ड पे आरजीपीओ आशीष कुमार, बिट्टू कृष्णा, यूजर यादव, ह्यूमैनिटी सॉल्यूशन, कुंदन कुमार, ऋतुकुल जावेद एंड अलका राज। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 20 द करेक्ट आंसर इसका, 220 ईसा पूर्व ईस्वी में बन गया था। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसने स्थापित किया? आज नोबेल प्राइज से ज्यादा क्वेश्चन है। चलो बहुत अच्छा, सो करेक्ट आंसर इज स्वीडन का सेंट्रल बैंक, 35% लोग ने आंसर दिया। खुद अल्फ्रेड नोबेल आए थे स्थापित करने के लिए क्या? मतलब गजब हुआ आप भी। मरा हुआ आदमी खुद आया अपने नाम का आविष्कार देने के लिए। वर्मा को प्राचीन भारत में क्या कहा जाता है?
हेलो बरकत शमीम जी, स्वागत है। टाइम पे आया कीजिए आप सभी लोग, राइट। 11 बजे शार्प 11 o'clock की स्टार्ट हो जाता है और एक 4 बजे सामने होता है जहाँ पे करंट अफेयर्स पढ़ाए जाते हैं, MCQ ही होता है वहाँ भी। चलिए 28% लोग आंसर सही दिया है। स्वर्ण भूमि बोला जाता है, याद रखिएगा स्वर्ण भूमि, ठीक है। चलो बहुत अच्छा, करेक्ट आंसर है स्वर्ण भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। टॉपर लोग बताइए बैक का आंसर सही था। जी बिल्कुल सही था। चलिए अगले क्वेश्चन पे करते हैं। क्या कुछ कंफ्यूजन है क्या, पूछना है तो पूछिए। हर रोज इस वक्त लाइन जाता है, किसी बुरी आत्मा का प्रकोप है। कौन है आप में से बुरी आत्मा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ लिया सभी लोगों ने, आंसर कीजिए। रुसु जी वेलकम, लेट हो गया, प्रणाम प्रणाम। थर्टी 33% लोग आंसर सही दिया, बिल्कुल सही। ग्रेट ब्रिटेन इज द करेक्ट आंसर। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट वर्ड हटा दो। माओजी डोंग, माओजी डोंग किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता था? बर्मा, मलेशिया, चीन, मंगोलिया, इसमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, नाम से ही पता चल रहा होगा। ये फातिया क्या होता है? प्रजापति जी वेलकम। अच्छा यूट्यूब पे थे सिंकिंग, अच्छा मैंने यूट्यूब पे आज देखा ही नहीं, कैसा चल रहा है यूट्यूब पे? यूट्यूब पे क्यों चले जाते हो? हाँ लेट मी चेक ऑन यूट्यूब, क्या हाल चाल बंधु? अच्छा यूट्यूब पे थे सिंकिंग, अच्छा मैंने यूट्यूब पे आज देखा ही नहीं, क्या चल रहा है यूट्यूब पे? बढ़िया शानदार चल रहा है। तो चलिए यूट्यूब पे भी सभी लोग आंसर दीजिएगा। चीन इज द करेक्ट आंसर। YouTube पे देखोगे तो फिर पोल नहीं कर पाओगे ना, यहाँ पे आओ पोल कर पाओगे आप सभी लोग। जो लोग YouTube पे मुझे देख रहे हैं, इंस्टॉल कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और जुड़िए अमर कुमार एजुकेटर नेम, सर्च कीजिए और क्लास कीजिए हर रोज। निम्न आंदोलन में से महात्मा गांधी ने किसका नेतृत्व नहीं किया था? नहीं किया था वो पूछा गया आपसे। चंपारण सत्याग्रह, बहावी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, या आप में से कोई नहीं, आप में से एक से अधिक। हेलो आर्यन सांडले वेलकम, लेट हो गया आर्यन, कहाँ रह गए थे? अच्छा अब समझ में आया फातिया मतलब क्या होता है, नहीं पता था मुझे। जी बिल्कुल बहावी आंदोलन इज द करेक्ट आंसर। बहावी आंदोलन 1830 और 1960 तक अत्यंत प्रभावित था, 1830 से 1960 तक ही चला था, जिसमें महात्मा गांधी जी ने नेतृत्व नहीं किया था। भावी आंदोलन का वैसे केंद्र बिहार में पटना ही था, ठीक है। चलो अगला प्रश्न पढ़िए। निम्न में से किसको लोकप्रियता के कारण पेरियार कहा जाता है? पेरियार किसे कहा जाता है? अच्छा सत्यनारायण स्वामी जी का पूजा, ठीक है करवा लेंगे।
नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के बाद में दिया जाता है स्वीडन सेंट्रल बैंक द्वारा, बाकी सारे क्षेत्र में अल्फ्रेड के वसीयत के अनुसार दिया जाता है। बिल्कुल सही काव्या जी, नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र का जो होता है वो स्वीडन सेंट्रल बैंक ही देता है, बाकी जो है उसी का रॉयल फैमिली देता है, स्वीडन रॉयल फैमिली, अल्फ्रेड नोबेल का रॉयल फैमिली। चलिए तो करेक्ट आंसर हो गया इसका ईवी रामास्वामी नैयर। भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? अंकित आनंद जी वेलकम। 88% लोगों ने आंसर दिया है सही, बहुत अच्छा जी हाँ। बंगाल गजट 1700, इसका डेट बता दो, 1780 है ना, 1780 जी। किसने निकाला था नाम बताओ जल्दी से कमेंट करके। अगस्त हिक्की, हिक्की यस, काफी लोगों को पता है, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, अगस्त हिक्की 1780 में सबसे पहला। और इनको हम अगस्त हिक्की को भारत में पत्रकारिता का जनक भी कहा जाता है। यस, पूरा नाम है जेम्स अगस्त हिक्की। पर्दे हिल रहे हैं, डराओगे भाग जाएंगे, कौन लेगा क्विज। बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? आपके वालिद और वालिदा कैसे हैं सर? वालिद और वालिदा, ये क्या होता है? यार उर्दू बहुत ही मतलब बढ़िया लफ्ज है ना, भारी भारी वर्ड्स होते हैं, जैसे गाना वगैरह हिमेश रेशमिया का गाना देखो। अच्छा परछिम मतलब क्या होता है? एक गाना निकला था ना हिमेश रेशमिया का, ना मेरी परछिम कटे, परछिम मतलब क्या होता है बताइए आप लोग। तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ निम्न में से किसके साथ संधि कर ली? मंगलोर का संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, मैसूर की संधि, या बिदनूर की संधि, या में से कोई नहीं। चलिए आंसर कीजिएगा। अच्छा फादर मदर को वालिद बोलते हैं। अच्छा चंदन जी वेलकम। यस बिल्कुल सही, 1792 में हुआ था, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कमेंट किया दिक्की यादव, करेक्ट है, 1792 में हुआ था, श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली थी। और इस तरह से टीपू सुल्तान शहीद हो गए थे अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए श्रीरंगपट्टनम में, श्रीरंगपट्टनम उनकी राजधानी थी। आवाज़ आ रही है, अच्छी बात है ना, आवाज़ आ रही है। तो 1932 के सांप्रदायिक अवार्ड द्वारा किसे पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? हरिजनों को, मुसलमानों को, सिखों को, ईसाइयों को, या उनमें से कोई नहीं, या उनमें से एक से अधिक। नहीं नहीं मरने का डेट 1799 था ना, क्वेश्चन दूसरा था जी। भोजपुरी खराब है। रेणु कुमार जी वेलकम। नवलेश कुमार जी, आरती प्रजापति जी वेलकम, चंदन दोमरिया जी वेलकम। चलो तो करेक्ट आंसर हरिजन। ये बैटरी डेड हो गया, ये कौन सा एक्सक्यूज है भाई? बैटरी डेड हो गया तो थोड़ी देर चार्जिंग पॉइंट पे चले जाओ, यही अगर उनका मैसेज आया होता तो दीवार पर चिपक के अभी सामने खड़े होके चार्जिंग लगा के गपिया रहे होते हैं ना। इतना इम्पोर्टेंट क्विज चल रहा है, कह रहे हैं कि सर बैटरी डाउन हो गया। बाबू अब जरूरी नहीं है कि हर चीज़ को खुद ही पे करके एक्सपीरियंस लिया जाए, दुनिया में इतना कुछ है, इतने सारे इंसिडेंट होते रहते हैं, अगर हर चीज़ खुद पे एक्सपीरियंस ले करने लगे हैं। कब बाबू सही बोल रहे हैं ना, YouTube पे जो देख रहे हैं वो लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं ना, सिंसियर पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा, अच्छी बात है, पढ़ाई कीजिए। सो करेक्ट आंसर है ए, सिराजुद्दौला। प्लासी युद्ध के समय बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। आसान सा क्वेश्चन, तो बूस्टर क्वेश्चन है रैंक इंप्रूव करने के लिए। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य पर सर्वप्रथम प्रकाश किसने डाला था?
टॉर्च किसने डाला था? वास्को डी गामा ने, पीटर मुंडी ने, डोमिंगो पेश ने, प्लिनी ने, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। वास्को डी गामा, पीटर मुंडी, डोमिंगो पेश या प्लिनी? वालिमा क्या होता है? आज सिखा ही दो, ना ना ना, आज सिखा ही दो फॉरेंसिक मुझे उर्दू, वैसे भी मुझे सीखना था। मेरे ऐसे कोई दोस्त है ही नहीं जो उर्दू सिखा सके। कई मुस्लिम फ्रेंड हैं लेकिन उन लोग को हिंदी ही आती है, उर्दू आती ही नहीं है। वालिमा मतलब रिसेप्शन, अरे वाह क्या बात, आप लोग कैसे पता है? जी हाँ बिल्कुल, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य पर सर्वप्रथम प्रकाश डाला था डोमिंगो पेस ने डाला था। यह एक पुर्तगाली यात्री था, यह एक यात्री था, पुर्तगाली यात्री, पुर्तगीज ट्रेवलर था डोमिंगो पेस, जो कि 1520 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा किया था। 1520 में विजयनगर की यात्रा किया था। नोटेड, लिख लिया आप लोगों ने? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उनकी मंशा भारत में धीमे धीमे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की, तो ये किस घोषणा में हुआ था भैया, या किस एक्ट में हुआ था, या किस कानून में हुआ था, या किस सुझाव में हुआ था, बताइए। इट्स अ गुड क्वेश्चन। पीटर मुंडी मुगल में आया था, बिल्कुल। मैं तुर्किश ड्रामा देखती हूँ तो मुझे पता है। अच्छा, तुर्किश ड्रामा देखते हो। कोरियन ड्रामा आपने कोई देखता है? कोरियन ड्रामा देखना, वो भी बहुत शानदार होता है। अरे क्या हो गया, कम लोगों ने आंसर दिया सही। दस प्रतिशत लोगों ने सिर्फ आंसर दिया, नहीं सही है ना, गलत नहीं है, बोल सही है, बोल सही है। भारत जो था, ब्रिटिश सरकार ने पहले क्वेश्चन किया था, भारत सचिव मॉन्टी द्वारा 20 अगस्त को, ये आया था 20 अगस्त 1917 को, इसलिए इसको अगस्त क्रांति भी बोलते हैं। सही है, गलत नहीं है, पढ़ेगा इसके बारे में। तो ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की कि उसकी मंशा भारत में धीमे धीमे उत्तरदायी सरकार बनाने के द्वारा है। ये 20 अगस्त 1917 में आया था, इसलिए इसको हम लोग अगस्त घोषणा बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। मॉन्टेग्यू नाम था उनका, मॉन्टेग्यू घोषणा नहीं, अगस्त घोषणा उसको हम बोलते हैं। मॉन्टेग्यू जो था ना, वो भारत के सचिव थे उस वक्त, सचिव बन के आए थे मॉन्टेग्यू, तो मॉन्टेग्यू नहीं, उसको अगस्त घोषणा बोलते हैं। आप सही बोल रहे हो, मॉन्टेग्यू सचिव थे। अगर किसी बुक में आपने मॉन्टेग्यू पढ़ा है तो वो भी सही है, गलत नहीं है, वो भारत के सचिव थे, क्लियर है। चलो आगे बढ़ो। इनमें से किस अवधि में लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे? दो है अगस्त घोषणा, ये भी बात सही बोल रहे हो आप। 1940 में भी हुआ था एक, और 1917 में हुआ था, ये 1917 वाला है। देखो ना, ऑप्शन 1917 लिखा हुआ है बाबू, पढ़ो ना पूरा ऑप्शन पढ़ो, 1917 लिखा हुआ है, 1940 नहीं लिखा हुआ है। 2 अगस्त घोषणा है, बिल्कुल सही। साइंस बस आ गया, दरवाजे पे खड़ा है, दस्तक दे रहा है। करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिवाजी के बाल्यकाल पर किसका प्रभाव अधिक पड़ा? शाहजी भोसले, माता जीजाबाई, गुरु कांडदेव, या तुकाबाई मोहिते? जी बिल्कुल सही, 47% आंसर सही दिया। शिवाजी के बाल्यकाल पर माता जीजाबाई का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था, और उसके बाद उनके गुरुदेव थे कोंडदेव, कोंडदेव उनके गुरु थे, और उनकी माता श्री वालिदा है ना माता, तो 2 और 3 सही है, बी इज द करेक्ट आंसर। पढ़िए अगला क्वेश्चन पढ़िए। माहेश्वर किस मराठा रानी की राजधानी थी? जो लोग YouTube पे देख रहे हैं आप सभी लोग कमेंट करेंगे, बहुत अच्छा जी, सुना
यहीं पे रहो, यूट्यूब पे क्यों भाग रहे हो, यहाँ ज़्यादा मज़ा आता है। या करेक्ट आंसर अहिल्याबाई होलकर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं जल्दी से फटाफट। भौतिकी में निम्न में से किस रंग में सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य है, और इसको हम बहुत ही फास्ट करेंगे। सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य पूछा गया आपसे, लोग आंसर सही दे दिया है, बिल्कुल सही। लाल, बैनी आह पिनाला, सबसे लास्ट में ला होता है लाल, तो लाल का सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम रोंटजन ने किस चीज का आविष्कार किया था, एक्सरे का, बिजली मोटर का, जनक का, टाइपराइटर का, अपने से कोई नहीं, अपने से एक से अधिक। जी बिल्कुल, मैं पहले बता दिया था ये क्वेश्चन आज जो क्विज में था वही है, जो लोग अटेंड किए हैं बहुत बढ़िया, हम फास्ट करेंगे। चलो अगला क्वेश्चन, पाचन तंत्र में लार किस पाचन की मदद से करता है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, स्टार्च, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। पढ़ लिए सब लोग, बहुत अच्छा। सो 69% आंसर सही दिया, स्टार्च इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतल किसकी मिश्र धातु है, तांबा और लोहा, जिंक और आयरन, लोहा और निकल, तांबा और जस्ता, या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए आंसर दीजिए, जी बिल्कुल 68 से 71% हम लोग कॉपर मिलाते हैं इसमें, और इसमें फिर हम जिंक मिलाते हैं लगभग 29 से लेकर 32% तक, तो ये तांबा और जस्ता का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, जीन ब्रेफिस्ट, लेमार्क, चार्ल्स डार्विन, ह्यूग डे ब्रिश, ग्रेगर मंडल, या से एक से अधिक। डू फास्ट, सो बी इज द करेक्ट आंसर, चार्ल्स डार्विन, बिल्कुल सही, चार्ल्स डार्विन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरों में डूबी वस्तुओं की स्थिति का ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, है ना, समुद्र की गहराई को मापने के लिए, या किसी वस्तु डूबा होता है उसकी उसको जानने के लिए हम किस यंत्र का उपयोग करते हैं, ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, एनीमोमीटर, या सोनार, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा, चलो करेक्ट आंसर है सोनार, डी इज द करेक्ट आंसर, सोनार, अल्ट्रा वेव हम लोग भेजते हैं, ठीक है, और वो जाता है, टकराता है वस्तु, वापस साउंड होकर ऊपर आता है, इससे हम लोग गहराई का मापन कर लेते हैं। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पाचन एंजाइम नहीं है, पाचन एंजाइम नहीं है पूछा जा रहा है, ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, रेन, या पेप्सिन। एंजाइम की बात पूछ रहा है ये, जी हाँ बिल्कुल, गैस्ट्रिन, गैस्ट्रिन जो है वो हार्मोन है, राइट, इट्स नॉट अ एंजाइम, गैस्ट्रिन इज अ हार्मोन। बाकी सभी हैं, गैस्ट्रिन के साथ अलावा, सॉरी, ट्रिप्सिन हो गया, पेप्सिन हो गया, और रेनिन, ये सब डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम है, करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत बल्बों के फिलामेंट के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है, तांबा, चांदी, निकल, टंगस्टन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा, 98% आंसर सही दिया है, टंगस्टन इज द करेक्ट आंसर। टंगस्टन का एक्चुअली जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, कितना होता है कमेंट करके बता दो, 3695 केल्विन, ये था इसका गलनांक होता है, है ना, मतलब कि मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, साथ ही साथ इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ भी जो होता है ना बहुत ज़्यादा होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ, वेपर प्रेशर भी इसका बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसको हम लोग यूज करते हैं एज अ फिलामेंट ऑफ द बल्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन, पायरेलियोमीटर का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तरल पदार्थ का घनत्व मापने के लिए, हवा का तापमान मापने के लिए, नमी मापने के लिए, या सौर विकिरण मापने के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। यस, लोग आंसर सही दिया है, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए किया था, मान लो कि सन है, इससे कोई रे आया, इस सरफेस पे कितना, इस किसी सरफेस पे इंटेंसिटी, ये रेडिएशन होना है, सोलर रेडिएशन,
जिस रेडिएशन की इंटेंसिटी को मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं पायरेलियोमीटर। चलो अगला क्वेश्चन, गुर्दे की पथरी में पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन सा है? जो किडनी में स्टोन हो जाता है ना, तो उसमें क्या होता है? यूरिया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम सल्फेट, या पक में से कोई, या पक में से अधिक। चलिए बहुत अच्छा, सो 74% लोग आंसर सही दिया है। कैल्शियम ऑक्सलेट इज द करेक्ट आंसर, कैल्शियम ऑक्सलेट इज द करेक्ट आंसर। इसमें होता क्या है, ऑक्सलेट पाया जाता है, ऑक्सलेट, कैल्शियम ऑक्सलेट। नट्स वगैरह खाते हो ना, काजू बादाम जो खाते हो, वो थोड़ा कम करो अगर किसी को किडनी का स्टोन का प्रॉब्लम है तो, कैल्शियम ऑक्सलेट। टमाटर में भी होता है कैल्शियम ऑक्सलेट, कोल्ड ड्रिंक्स में भी ऑक्सलेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का उपयोग रात्रि दृष्टि यंत्र में किया जाता है? रात को देखने के लिए किस तरंग का यूज किया जाता है? रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, या पराबैंगनी तरंग, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। कोई बात नहीं, खाइए, ज्यादा खाना नहीं चाहिए। सी इज द करेक्ट आंसर, इंफ्रा रेड इसको हम बोलते हैं, राइट, इंफ्रा रेड, इंफ्रा रेड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चुनाव के लिए मतदान के दौरान निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग स्याही के रूप में किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ऑक्साइड, या फिर में से कोई नहीं, या फिर में से एक से अधिक। चुनाव के समय हाथों, उंगलियों पे, नाखून पे एक निशान लगाया जाता है ना, 54% लोगों ने आंसर सही दिया, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, बिल्कुल सही। सिल्वर नाइट्रेट यूज किया जाता है, और ये सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, हमारे बॉडी के त्वचा पे जो लवण होता है, उस लवण से रिएक्शन करता है, रिएक्शन करने के बाद वो रंग पक्का हो जाता है, ताकि वो ब्लीचिंग या ब्लीचिंग पाउडर हो, या फिर नेल पॉलिश रिमूवर, नेल पॉलिश रिमूवर हो गया, इससे भी नहीं हटता है। तो कैसे हटता है, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली हटता है, नया त्वचा आता रहता है, पुराना त्वचा जब खत्म होता है तो वो रंग चला जाता है। सिल्वर नाइट्रेट इज द करेक्ट आंसर, सी। चलिए अगला क्वेश्चन, बुलेट प्रूफ सामग्री बेचने के बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक व्यापक रूप में उपयोग किया जाता है? बुलेट प्रूफ में, यानी कि एक तरफ हमारा कांच होता है, दोनों तरफ कांच होता है, बीच में हम लोग कुछ मटेरियल को डालते हैं बुलेट प्रूफ बनाने के लिए, तो क्या डालते हैं इसमें बताइए? पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीएमाइड, पॉलीएथिलीन, पॉलीकार्बोनेट, उसमें से कोई नहीं, उसमें से एक से अधिक। चलिए बहुत अच्छा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, थोड़े और क्वेश्चन बाकी है, जल्दी से कर लो, उसको जाना, प्रसाद लेके जाओ। पॉलीकार्बोनेट इज द करेक्ट आंसर, पॉलीकार्बोनेट इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, है ना। होता क्या है, जब बुलेट इधर से पास करता है, इधर से जब बुलेट पास करता है, तो ये इसको स्ट्राइक करेगा, कांच को तोड़ देगा, लेकिन अंदर जो मटेरियल है पॉलीकार्बोनेट, वो इस काइनेटिक एनर्जी को, इसके काइनेटिक एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा का कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, और यहीं पर रुक जाएगा वो, और इस कांच को भेद नहीं पाएगा, और इस तरह से आपका ये सील्ड बन जाता है, बुलेट प्रूफ, बुलेट प्रूफ। पॉलीकार्बोनेट एक फॉर्म स्ट्रक्चर होता है, सो डी इज द करेक्ट आंसर, नाम याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। उत्तल लेंस में जब वस्तु की स्थिति फोकस पर होती है और प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर होती है, तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? उत्तल लेंस की बात हो रही है, वस्तु फोकस पर रखी हुई है, इससे जो प्रतिबिंब बनेगा उसका आकार कैसा होगा, बड़ा होगा या बहुत बड़ा होगा, या समान आकार होगा, छोटा होगा, या उसमें से कोई नहीं, या उसमें से एक से ज़्यादा। चलो 44% लोग आंसर सही दिया, 20 द करेक्ट आंसर, बहुत बड़ा होता है, याद रखिएगा, क्योंकि ये ऐसे इमेज बनेगा और एक इधर से भेजेगा, ये कहीं बहुत दूर जाके बनते हैं, यहाँ पे इमेज बनता है बहुत बड़ा, एक लार्ज इमेज बनता है, तो ये हाईली इनलार्ज होगा, इसका साइज हाईली इनलार्ज होगा, रियल इमेज बनता है और उल्टा बनता है, यानी कि इन्वर्टेड बनता है, ये प्रॉपर्टी होता है, तो बहुत आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा किसका होता है, वो पूछा गया आपसे, पानी का, पारा का, जलवाष्प का, बर्फ का, उसमें से कोई नहीं है, उसमें से एक से अधिक। स्पेसिफिक हीट मतलब होता है कोई वस्तु है, मान लीजिए इस वस्तु के बॉडी का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो हमें कितना इसके अंदर हीट देना है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। क्या है, फिर से मैं बोलता हूं, स्पेसिफिक हीट क्या है, कोई भी बॉडी है, मान लीजिए किसी बॉडी के 1 ग्राम वजन को
एक डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर बढ़ाना हो तो जितना अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई करना पड़ता है उस हीट को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट उष्मा। तो सबसे ज़्यादा पानी का होता है, वन होता है पानी का, बर्फ का हाफ होता है, याद रखिएगा। सो पानी का सबसे ज़्यादा होगा, 25% लोगों ने सिर्फ आंसर दिया है। गलत नहीं करो, सी नहीं होगा, पानी होगा। जो आप सोच रहे हो वो नहीं है, जो आप सोच रहे हो वो नहीं है। देखो विशिष्ट उष्मा की बात हो रही है ना, तो पानी ले लो और बर्फ ले लो, किसका टेम्परेचर आप जल्दी से आसानी से चेंज कर पाओगे? अरे बर्फ का जल्दी कर लोगे ना चेंज, तो इसको कम हीट दे के ही आप इसके एक डिग्री टेम्परेचर में चेंजें ला सकते हो। लेकिन पानी का अगर एक डिग्री टेम्परेचर चेंज करना है तो उसको इसके लिए थोड़ा सा रिलेटिवली इससे ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, ऐसा समझ में। इसलिए विशिष्ट उष्मा किसका ज़्यादा होगा? पानी का होगा। कुछ लोग गुप्त उष्मा की बात कर रहे हैं, तो गुप्त उष्मा अलग होता है, उससे हम लेटेंट हीट बोलते हैं, छुपा हुआ उष्मा। तो भाफ में ज़्यादा होता है, राइट। 100 डिग्री टेम्परेचर पानी ले लो और 100 डिग्री पे स्टीम ले ले, स्टीम पे ज़्यादा होता है गुप्त उष्मा, क्लियर है? तो वो अलग चीज़ है, मैं पढ़ाऊंगा बाद में। जलन महसूस होता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? प्लास्टिड का, प्लाज्मिड का, माइट्रोकॉन्ड्रिया का, राइबोसोम्स का, पिकमिस्कोनिया, पिकमिस एक सर एक। तो करेक्ट आंसर इज प्लाज्मिड, बी इज द करेक्ट आंसर। 49% लोग आंसर सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल विचलन का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? लाल विचलन का संबंध निम्नलिखित में किससे है? कम तापमान का उत्सर्जन, डॉपलर का प्रभाव, व्यक्तिकरण का अपवर्तन का, या उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। लाल विचलन मतलब रेड डेविएशन, या इसको लोग रेड शिफ्टिंग भी बोलते हैं, या किस चीज़ से रिलेटेड है? नहीं सॉरी, एक मिनट, गलत बोल हो गया था। हाँ जी, चलिए आंसर दीजिए। ए और बी में कंफ्यूज हैं, देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। बहुत अच्छा, 44% लोग आंसर सही दिया है। देखिए साउंड और लाइट दोनों में डॉपलर प्रभाव देखा जाता है, साउंड में भी और लाइट में भी, दोनों में डॉपलर इफेक्ट होता है। जब वस्तु हमसे दूर जाती है ना, जब हमसे दूर जाती है वस्तु, तो वो खींचने लगता है चुंबकीय प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, राइट। चुंबकीय प्रभाव की वजह से खींचने लगता है, जिसकी वजह से उसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाता है। जब किसी भी लाइट का फ्रीक्वेंसी कम होगा, या किसी वस्तु का फ्रीक्वेंसी कम होगा, तो वो किस कलर का दिखने लगेगा? लाल रंग का दिखने लगेगा। क्योंकि फ्रीक्वेंसी का कम होना मतलब कि उसका वेवलेंथ बढ़ना, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा किसका होता है? लाल रंग का वेवलेंथ ज़्यादा होता है। तो डॉपलर इफेक्ट इज द करेक्ट आंसर। मैं थोड़ा यहाँ पर फास्ट बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है। बाकी आप लोग जब प्लस पे आते हैं तो बेसिक से पढ़ाया जाएगा इस चीज़ को, ताकि तब नहीं लगेगा कि ये क्या चल रहा है, सर क्या बोल रहे हो, सर कुछ समझ में नहीं आता, हम तो कॉमर्स लेके बैठे हैं, हम तो आर्ट्स लेके बैठे हैं, ऐसा वहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे बहुत ही बेसिक से पढ़ाया जाएगा, हर टीचर बेसिक से पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम किस परिस्थिति के लिए उपयुक्त होता है? अतिचालक के लिए, चालक के लिए, अतिचालक के लिए, कुचालक के लिए, इनमें से कोई नहीं है, उनमें से एक से अधिक। ओम का लॉ बचपन से हम जानते हैं, V=IR, ये वोल्टेज, ये करंट, स्ट्रेट लाइन बनता है, ये एंगल होता है थीटा, इसको हम लोग टेन थीटा स्लोप बोलते हैं, जो V/IR होता है, तो V/I होता है हमारा, है ना, ओम्स लॉ V=IR। यह किसके लिए वैलिड है? क्या ये अति चालक यानी कि सुपर कंडक्टर के लिए भी है? क्या ये चालक यानी चालक ड्राइवर नहीं भैया, कंडक्टर, क्या ये कंडक्टर के लिए भी है? क्या ये सेमी कंडक्टर के लिए भी है? या क्या मैलिसिस नहीं, इंसुलेटर होगा? तो चलिए आपको आंसर देना है कि किसके लिए वैलिड है ओम्स लॉ। साइंस जीरो है, कर देंगे आपको हम हीरो। कैप्सूल लीजिए, खाइए, साइंस जिंदाबाद। 5 अगस्त का जस्ट वेट कीजिए, बेसब्री से इंतजार है मुझे भी और आपको भी। याद रखिएगा चालक ही ओम्स लॉ के लिए वैलिड होता है। तो सर क्या कुचालक नहीं है क्या? नहीं नहीं, कुचालक तो बिल्कुल नहीं होगा। क्या अति चालक या सुपर कंडक्टर नहीं है? नहीं, सुपर कंडक्टर ऐसे फ्लैट निकल जाता है कर्व, क्योंकि उसमें वोल्टेज कम ही दोगे ना, तो फटाक से करंट फ्लो होगा सुपर कंडक्टर में। और क्या कुचालक में कैसे होगा सर? कुचालक में थोड़ा सा ग्राफ टेढ़ा हो जाता है, कर्व हो जाता है ना, अर्धचालक में, सॉरी अर्धचालक में थोड़ा सा ग्राफ कर्व हो जाता है, स्ट्रेट लाइन नहीं बनता है। तो ओम्स का लॉ जो है किसके लिए वैलिड है? सिर्फ और सिर्फ चालक के लिए वैलिड है। 6:15 इवनिंग में होगा टाइमिंग, 6 PM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का। टीन और सीसा किस विधि से शोधित होते हैं?
आसवन, खंड शोधन, विद्युत अपघटनी, द्रवण विधि या उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। टीन और सीसा, आपको पता होना चाहिए कि टीन और सीसा का शोषण जो होता है, यानी कि फिल्ट्रेशन जो होता है, वो द्रवणीय मेथड से होता है। द्रवणीय मेथड कहने का मतलब कि लिक्विफिकेशन, इसमें क्या करते हैं ना, तत्व को पिघलाया जाता है, तो जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी पिघल जाएगा, अलग हो जाएगा उससे। तो इस तरह से टीन और सीसा को हम शोधित कर लेते हैं द्रवण विधि से बाई मेल्टिंग। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड। अच्छा लगा तो मेरा रेफर कोड यूज़ कीजिए और प्लस पे आ जाइए जल्दी, सभी लोग टेलीग्राम पे भी सभी लोग जुड़िए, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, जहां मन करे वहां जुड़ जाइए मेरे से और क्लास डेली कीजिए आप सभी लोग। चलिए तो आज के क्विज में टॉप पे रहे हैं नेहा जी, वाह कॉन्ग्रेचुलेशन नेहा, 66 में से 58 क्वेश्चन का आंसर सही देकर टॉप पे बनी हुई है। सेकंड पे है आलोक सिंह जी, कॉन्ग्रेचुलेशन आलोक जी। सेकंड पे है अरजी पो, थर्ड पे हैं, फोर्थ पे हैं प्रियंका कुमारी, फिफ्थ पे हैं यूजर यादव, सिक्स्थ पे हैं आशीष कुमार, सेवन्थ पे हैं इर्तुगुल जावेद, एट्थ पे हैं बिट्टू मिश्रा कृष्णा, और नाइन्थ पे हैं अनुराग श्रीवास्तव, और टेंथ पे हैं नीतीश सिन्हा। बहुत बढ़िया, तो कैसा लगा क्लास? ग्रेविटेशन का एक न्यूमेरिकल भी था, वो थोड़ा सा लंबा था इसलिए मैंने नहीं डाला उस क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन ग्रेविटेशन का भी था। चलिए अच्छा लगा तो फीडबैक, यही चीज़ आप फीडबैक में कमेंट करके बता दीजिएगा एक बार, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप लोग फीडबैक में पॉजिटिव फीडबैक देते हो तो, राइट। आप लोग बिना फीडबैक दिए हुए चले जाते हो, आज सभी लोग एक एक लाइन कमेंट करके जाओगे फीडबैक में, भर दो पूरा फीडबैक बॉक्स। चलिए तो यहीं पर ख़त्म करता हूँ आज की क्लास को, मिलते हैं अगले क्लास में कल, और प्लस पे आइए सभी लोग, मेरा रेफरल कोड यूज़ कीजिए मरमानी, जो भी आपके दोस्त हैं इच्छुक हैं जो जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ प्लस पे, बुलाइए सभी लोगों को।